चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शहर में जो गरीब आवाम है उसकी आवाज़ उठाई जावे और गरीब आवाम को देखा जावे, उसकी पढ़ाई लिखाई उनके बच्चों की तरफ को ध्यान दिया जाए। मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा नगर पालिका को, कहाँ से आपका पैसा? वो है नहीं उसके हाथ में कि मैं पैसा लाऊँ जहाँ से कहीं से। पानी टाइम पर नहीं है, सड़कें नहीं है, सब दिक्कत है, सफाई नहीं है बिल्कुल। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हैं और जिला मेरठ का ये नगर पालिका सरधना है। सरधना में हम गंज बाज़ार में यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि 11 मई में जिला मेरठ में वोटिंग पड़ना है नगर निकाय चुनाव को लेकर। इसी के बीच हम लोग यहाँ इस मार्केट में हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल सरधना में बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के मैदान में और प्रत्याशी भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। भाजपा से मंजुलता जी चुनाव लड़ रही है और सपा से जो है सबीला अंसारी जी चुनाव लड़ रही है। बसपा से सुमन देवी जी यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। बहुत सारे और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो यहाँ चुनाव के मैदान में है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या राय लोगों की बन रही है इस बार। जी रंजीत भाई, क्या लग रहा है, चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है आपके? देखिए, चुनाव तो है लेकिन चुनाव जो होना चाहिए कायदे में विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के ऊपर होना चाहिए। जब भी इलेक्शन आते हैं धर्म और जाति बीच में आ जाती है, नगर के अंदर कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज भी देख लो जगह जगह नगर के अंदर सड़कें ऐसी है जहाँ पर पानी जरा सी बारिश पड़ते ही जल भरा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर विकास होना चाहिए जी, हिंदू मुस्लिम पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसी कोई घटना है सरधना में कभी ऐसा हुआ हो इस तरह की चीज़ें? बहुत बार हुआ है जी। 20 साल से जो पूर्व चेयरमैन है अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कराया। जो पीछे भी रहे हैं 5 साल, उन्होंने यहाँ पर सड़कें बहुत जगह पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी उन्होंने कराया है, लेकिन हम चाहते हैं कि विकास हो, राजनीति ना खेली जाए ज़्यादा। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा आप कौन सा चेहरा देखते हैं इस बार सरधना में? देखिए, चेहरे तो नए नए आते हैं लेकिन मेन मकसद क्या होता है कि चेहरा जीते, अच्छा जीते, जो विकास कराए नगर के अंदर, हम चाहते हैं। बाबू जी, क्या नाम? कालू राम। क्या लग रहा है चुनाव है, किस तरह का माहौल है अभी? भैया माहौल का कोई पता नहीं चलता। अच्छा, हम तो चाहते हैं भैया बढ़िया वो हो बस, और यह निजामनकारी थे आज तक कुछ नहीं करके दिखाया। पहले चेयरमैन जो थे, पहले अरशद गालिब थे, कुछ काम उन्होंने बहुत काम करा, सब गंदगी निकाड़ दी उन्होंने। सुविधाएं कैसी है आम आदमी? बस सुविधा कुछ नहीं भैया, सुविधाएं कुछ नहीं है। जैसे बाजार होता है, पीने की व्यवस्था, पानी की क्या, साफ सफाई की नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, जगह जगह गंदगी, कोई वो नहीं है, सब ऐसा ही है। थोड़ा सा कोई तो लगता होगा कि इस बार भ्रष्टाचार है भाई, सब भ्रष्टाचार है। क्या नाम आपका? अनस। अनस भाई, नगर पालिका चुनाव है आपके यहाँ जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है सरधना में? माहौल बंटी भाई का बनना है जी, बहुत बढ़िया बनना है माहौल। निर्दलीय जो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी तनवीर आरिफ बंटी चेयरमैन का बनना है, बहुत अच्छा। और भी लोग मैदान में है, उनके होने से कुछ नहीं होता है। बंटी चेयरमैन का बहुत अच्छा चेहरा चल रहा है और उनका परिवार 70-80 साल से राजनीति में है, उन्होंने कोई भेदभाव का कभी काम नहीं करा है, सबको साथ लेकर चलने वाला काम करा है और अब के उन्हें बहुत भारी मतों से विजय मिल रही है। उन्होंने सदा सबकी सेवा की है, वो सेवा करते हुए आ रहे हैं। चलिए एक एक चीज़ बताइए, सरधना है, बड़ी नगर पालिका है, यहाँ की सुविधाएं कैसी है, लोग आम जनता के लिए सुविधाएं कैसी है यहाँ? आम जनता के लिए सुविधाएं अभी कुछ नहीं है, पिछले 15 साल से सुविधाएं बिल्कुल बिगड़ी पड़ी हैं। अब आने वाले टाइम में अब नया चेहरा आ रहा है, नया युवा आ रहा है, ये बहुत अच्छी सुविधाएं लेकर आ रहा है, बता रहा है, सबको समझा रहा है और ये सच ही निकलेगा। चलिए कोई एक काम बताइए, एक दो काम जो आप चाहते हैं शहर में हो। एक दो काम हम ये चाहते हैं कि शहर में जो गरीब आवाम है उसकी आवाज़ उठाई जावे और गरीब आवाम को देखा जावे, उसकी पढ़ाई लिखाई उनके बच्चों की तरफ को ध्यान दिया जाए और ये जो गरीब आवाम से परेशान हाल है, बीमारी हो जाती है, नहीं जा पाते अस्पताल में, वो अस्पताल खुले जावें, एम्बुलेंस की सुविधा हो जावे, वो सुविधाएं अब होवेंगी। चलो, क्या नाम भाई साहब? अमन खालिद। खालिद भाई, क्या लग रहा है, चेयरमैन ही चुनाव है आपके यहाँ?
चेयरमैन ही चुनाव है आपके यहाँ जी, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? अभी माहौल अभी बराबर चल रहा है माहौल चारों तरफ, अभी टाइम के टाइम देखो क्या होता है अभी। तो कोई ऐसा कोई चेहरा थोड़ा सा अभी जब लास्ट टाइम आएगा, जब पब्लिक में कुछ पता लगेगा रुझान क्या है, किसका रुझान है, फिर उसी पे ही मामला हो जाएगा। चले, पिछले 5 साल कैसे रहे यहाँ के? बस 5 साल जो पिछले रहे हैं, बस वो भी जनता परेशानी है। काम हुए कुछ? कुछ काम रहे हुए है, कुछ नहीं हुए है। कुछ हमारे महल में कुछ काम है कमान आवान पे, अब वो भी काम नहीं हो पाया अभी। नमस्कार बाबू जी, क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, हाँ जी, क्या लग रहा है, चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, इस तरह का माहौल है कसबे शहर में आपके? अभी सब ठीक है, माहौल तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कस्बे की सुविधाएं कैसी है आपके यहाँ, किस तरह की चीज़ें हुई है पिछले 5 सालों में, या ऐसे कोई काम बाकी रह गए जो होने चाहिए थे जनता के लिए? काम तो कितने ही हैं जो नहीं हो पाए अभी तक, जैसे रोडवेज अड्डा बनना था उस पर जो है स्टे हो गया, वो नहीं बन पाया, और तुम्हारा यहाँ पर लड़कों का डिग्री कॉलेज नहीं है, वो नहीं हो पाया, तो काम तो कितने ही हैं। अब विधायक है हमारे यहाँ, कुछ काम ही नहीं कर रहे। नगर पालिका के ऐसे कोई काम जो जनता के लिए अभी होने चाहिए आपके हिसाब से, जैसे कोई पार्क की व्यवस्था करना, स्टेडियम या खेलकूद का मैदान तैयार करना? नहीं, नगर पालिका तो जब ही तो चलेगी जब उसको कुछ मिलेगा, जब पैसा ही नहीं मिल रहा नगर पालिका को, कहाँ से आएगा पैसा? वो है नहीं उसके हाथ में कि मैं पैसा लाऊं जहाँ से कहीं से। ये सारी देखो क्या सी व्यवस्था है, क्या सब लाइटें जहाँ की फुग्गी फुग्गी लगा दी, उनको लगाएगा ये दूसरी, फिर वो दूसरी लगा दी, चाहे वो चल भी रही है फिर भी उसे साली को उतार के जाए फिर लगा दी। क्या नाम आपका? नाम बताओ। मेरा नाम विनोद है जी। विनोद भाई बैठ जाओ यहाँ। ये बताओ, शहर में जैसे नगर पालिका चुनाव है, सुविधाएं कैसी है आपके यहाँ? बस सुविधा तो भैया सब ऐसी हो रही है, सुविधा तो कोई ऐसी ढंग की है नहीं भाई। मान लो इस 5 साल का तो अब के मामला डाउन सही था पहला। पूर्व जो चेयरमैन थे? हाँ, पूर्व चेयरमैन थे। क्या नाम उनका? वैसे उनका निजाम अंसारी। वैसे अब का बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जैसे आप बाजार में रहते हैं, यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था या पीने के पानी की व्यवस्था? यहाँ कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय है कोई। लेकिन नेता लोग तो बहुत वादे करते हैं चुनाव के दौर, तो जैसे अब भी ये इस तरह की सुविधाएं? हाँ जी, ये चुनाव के दौर ही करें, फिर कोई नहीं आगे झांकता। क्या नाम आपका वैसे? तेजपाल जी। यही सरधने से हो आप? हाँ, सरधने से। अच्छा, क्या लग रहा चुनाव है, किसको चेयरमैन बना रहे इस बार? भाई देखो मेरे पास हाथी है। अच्छा, सुमन जी जो लड़ रही है बसपा से। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि टक्कर किन में रहेगी, और भी लोग पार्टी के मैदान में है? भाई हमारा टक्कर इसलिए लग रही ज़्यादा। अच्छा, किन के बीच रहेगी? दोनों के बीच में रहेगी, एक तो हत्या के, किसके? फूल वाले। हाँ, फूल मंजूलता जी जो है। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? नाम विकास कुमार। विकास भाई, क्या लग रहा चुनाव है, चेयरमैन किसको देख रहे हैं? चेयरमैन देखो जी, अभी तो समय है बहुत। अच्छा, 11 तारीख आ गई, कोई बात नहीं, 11 के बाद खुलेगा वो तो, जब ही पता चलेगा। ऐसा क्या अंदाजा लगा सकते? क्या चाह रहे हैं, किस तरह का विकास हो कस्बे में? भाई कार्य सही होना चाहिए क्षेत्र में, कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, क्या नहीं करते क्या है वैसे आप? मैं डॉक्टर साहब के यहाँ प्रैक्टिकल। चलिए, आप बाजार में आप रहते ही होंगे। हाँ, तो इस तरह की व्यवस्थाएं है बाजार में कि भाई जैसे पीने के पानी की सुविधा हो, सफाई की व्यवस्था? अब तक बिल्कुल ठीक चलता आ रहा। ठीक चलता? तो कुछ 5 साल में काम हुए लोगों के? नहीं, ठीक है, जिसने मतलब हद तक सब ने सही करा है, और आने वाले समय भी यही आशा है। क्या नाम आपका? क्या नाम? जावेद। जावेद भाई, चुनाव है आपके यहाँ नगर पालिका, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे? भैया फूल एक तरफ जीत रहा जी। फूल एक तरफ जीत रहा? एक तरफ जीत रहा जी। लेकिन और लोग भी पार्टी के मैदान? बस बहुत पीछे रह जाएंगे जी। पीछे रह जाएंगे? बहुत पीछे है। अच्छा, थोड़ा सा दो चीज़ों में फाइट रहती है जी, वो थोड़ा सा बताइए किन में? सेकंड में साइकिल है जी। साइकिल सपा से जो है ये? जी जी, वो सेकंड पे, मगर 2500-3000 वोटों से पीछे। फूल जीत रहा जी एक तरफ। सुविधाएं कैसी है कस्बे में? सुविधाएं कुछ नहीं है जी, 15 साल में पिछड़ गया सरधन। अब इस तरह की दिक्कत आती है? पानी टाइम पे नहीं है, सड़कें नहीं है, सब दिक्कत है, सफाई नहीं है बिल्कुल। क्या भाई आपका क्या नाम? समीर, मोहम्मद समीर। समीर भाई इधर को थोड़ा जी। बिल्कुल ना, रास्ता। क्या लग रहा है किसको बना रहे चेयरमैन? इंशाल्लाह सहराज मलिक बनेगा। सहराज मलिक ये निर्दलीय है? बिल्कुल है जी। अच्छा आदमी है, माशाल्लाह उसकी पावर भी बहुत है। ऐसे नहीं निजाम अंसारी तरह नहीं है, जैसे निजाम अंसारी 5 साल में कुछ नहीं आता है, ना सरधन में पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी की समस्या कुछ नहीं करी उन्होंने, तो सहराज मलिक होगा इंशाल्लाह। तो आप क्या चाहते हैं, सुविधा क्या चाहते हैं? सुविधा चाहते हैं गरीब आदमी को, क्या सुविधा? हम फेरी वाले हैं, फेरी वाले को कुछ स्कीम नहीं आती है पानी की सुविधा। सर्दी में कोई पानी ऐसा नहीं है जो आदमी
ठेली खड़ी करके पानी पी ले ठंडा, कुछ ही नहीं है सड़क में, बताओ इस कैसे देख रहे चुनाव में? बस देखो ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा क्या लग रहा है क्या नहीं। कस्बे की सुविधाएं कैसी है आपके? सुविधा फिलहाल तो ठीक है, और जैसे जैसे भी आगे चलती रहेगी सुविधा, तो जो भी कोई आएगा सुविधा तो अपनी करेगा ही। बहरहाल कोई एक दो चीज़ बताइए जो आप चाहते हैं आम लोगों के लिए होनी चाहिए। बस क्या बताएं, यही बताएं कि सब अपना ठीक रहे, अपना कोई मिलजुल के रहे, इससे क्या बात है, और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जल की पानी की ये सब सुविधा अपना बनती रहे, बनी रहे, बस इससे क्या चाहिए हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम लोग जिला मेरठ में थे, जिला मेरठ में ये शहर नगर पालिका जो है सरधना है, और सरधना में हमने यहाँ गंज बाज़ार में लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। लोगों का कहना है कि कुछ विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अलग अलग राय लोगों की अपने प्रत्याशी को लेकर बन रही है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद भाई। अपना चैनल है दिल्ली से, दिल्ली से चलचित्र।